हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का ख़त्म हो चुका है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि आने वाले आरपीएफ के एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए, यानी रिपीट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की है? तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की है। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चव्हाण। कौन थे? यशवंत राव चव्हाण, ये मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पहले। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं चेना मेनेनी विद्यासागर राव। कौन है? चेनी मेनेनी विद्यासागर राव। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? तो देखिए, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला खादी मॉल स्थापित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो देश का पहला खादी मॉल स्थापित करने का निर्णय ये झारखंड राज्य ने लिया है। अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। इन्होंने शपथ कब ली थी? इन्होंने शपथ ली थी 28 दिसंबर 2014 को। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मराड़ी। कौन थे? बाबूलाल मराड़ी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच का नाम क्या है जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का नाम है तुषार अरोथ। कौन थे? तुषार अरोथ, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम के नए कोच का नाम क्या है? तो नए कोच का नाम है रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोमीटर का उपयोग ये अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के संस्थापक कौन थे? तो एक्स किरणों के संस्थापक थे डब्ल्यू सी रोंटजन। कौन थे? डब्ल्यू सी रोंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला आदमी कौन था? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला आदमी था मेजर यूरी गागरिन। कौन था? मेजर यूरी गागरिन। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर यूरी गागरिन थे ये कहाँ के थे। तो देखिए, मेजर यूरी गागरिन
ये जो थे ये रूस से थे। आपको ध्यान में रखना है कि मेजर यूरी गागरिन ये रूस देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट वर्ष की इकाई है, तो देखिए लाइट वर्ष की इकाई है दूरी, आंसर हो जाएगा दूरी। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, और ये जो लाइट वर्ष इकाई है ये भी दूरी की होगी, यानी कि प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की होगी और लाइट वर्ष इकाई दूरी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन ये अर्जेंटीना में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूथ ओलंपिक होगा 2022 में, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो देखिए इसका आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका के सेगनल में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के सेगनल में। ये इसका कौन सा संस्करण होगा? ये इसका चौथा संस्करण होगा। देखिए जो ओलंपिक जो 2018 में होते, हाल ही में युवा ओलंपिक ये आयोजित हुए थे, अर्जेंटीना के व्यूनस आयर्स में आयोजित किए गए थे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना में संपन्न युवा ओलंपिक खेल 2018 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो देखिए इसमें कुल 206 देशों ने हिस्सा लिया था, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 18 अक्टूबर को समाप्त हुए युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये 6 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो ये जो ओलंपिक हुए थे इसमें सबसे ज्यादा अधिक पदक जो किसने वो किसने जीते थे? तो ये रूस ने जीते थे। और पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन था जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते थे? कुल 59 पदक रूस ने जीते थे, और सबसे नंबर एक पे रहता रूस, कुल 59 पदक जीते थे। और इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन आपको ध्यान में रखना है कि युवा ओलंपिक का जो स्लोगन था वो था फील द फ्यूचर। और इसका मस्कट क्या था? पांडी। क्या था? पांडी। और कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? कुल 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और इसका ध्वजवाहक कौन था? इसके ध्वजवाहक थे मनु भाकर। कौन थे? मनु भाकर। इतने इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। और ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक थे जेरेमी लॉरेंथुंगा। और जो स्वर्ण पदक जीता था भारतीय खिलाड़ी ने, सबसे पहले किसने जीता था? जेरेमी लॉरेंथुंगा ने सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खुजराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल ने कराया था। और कब कराया था? ये कराया था 950 से 1050 ईस्वी में, चंदेल साम्राज्य में कराया गया था। कब कराया गया था? 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह आयोजित किया गया था, तो देखिए नील विद्रोह ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान में रखना है कि नील विद्रोह जो आयोजित किया गया था ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। अब पश्चिम बंगाल के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ दूसरी बार ली है। और इसके राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। इन्हें शपथ किसने दिलाई? ममता बनर्जी ने इन्हें शपथ दिलाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत कब हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है मेनका गांधी। देखिए आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची के बारे में पता होना चाहिए कि कौन जो व्यक्ति हैं कौन से पद पर हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री अरुण जेटली। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु। रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। रेल व कोयला मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। सांख्यिकी व योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? उमा भारती। उपभोक्ता मामले खाद्य व जन वितरण मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। महिला व बाल कल्याण मंत्री कौन है? मेनका गांधी, जो कि आज इस पेपर में पूछा गया है। तो एक बार आप लोग मंत्रियों की सूची जरूर देखकर जाएं, अगर एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं तो मंत्रियों की सूची जरूर देखकर जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल के सॉरी प्रधानमंत्री कौन है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली। कौन? खड़क प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है? देखिए, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस 1929 सत्र कहाँ लागू हुआ? तो कांग्रेस 1929 सत्र ये लाहौर में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसराइल की राजधानी क्या है? तो इसराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसराइल की मुद्रा क्या है? तो इसराइल की मुद्रा है इसराइली नई सेकेल। क्या है? इसराइली नई सेकेल। तो इसराइल से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की पहली महिला वित्त अधिकारी कौन है? तो आरबीआई की पहली महिला वित्त अधिकारी है सुधा बाल कृष्णन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। इन्होंने अपना पद कब संभाला? तो इन्होंने अपना पद 11 दिसंबर 2018 को संभाला है। और किसकी जगह? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनकी जगह शशिकांत दास को गवर्नर बनाया गया है। तो यहां से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय क्रिकेट टीम चयन बोर्ड के चीफ कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम चयन बोर्ड के चीफ हैं संदीप पाटिल।